जय हिंद। नमस्कार मेरे सेल सैनियों, लाडलो स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली सीआरपीएफ ट्रेड मैनिंग में जो बच्चे सफाई कर्मचारी से ट्रेड टेस्ट देने जाने वाले हैं या जो सीआरपीएफ ट्रेड मैन की तैयारी कर रहे हैं, अभी पेपर देने वाले हैं और आगे जाके सफाई कर्मचारी से उन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे बच्चा अभी ट्रेड टेस्ट दे के आया सीआईएसएफ का 5 तारीख, तो इससे जो जो पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके नॉलेज में काम में आए, क्योंकि सेम सी चीजें पूछी जाती है सभी ट्रेड में, तो ये आपके काफी काम किए। और अगर आप ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी अकेडमी में 15 तारीख से ऑफलाइन बेच शुरू हो रहे और ऑनलाइन बेच भी कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पर शुरू हो गए, तो वहां पर रक्षक बेच करके आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही कमांडो अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्या नाम है लाडले? राकेश जाट। कैसे हो राकेश जाट? कब था तेरा लाडले? 5 तारीख। कौन से ट्रेड से? इससे ऊपर से। अच्छा, क्या क्या कार्रवाई हुई पूरी बता शुरू से। जैसे सबसे पहले तो नंबर दे के अंदर घुसा लेते हैं, फिर चेस्ट नंबर लेना पड़ता है, फिर वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है वो भरना पड़ता है। तीन पेज का बोल? हाँ, उस पर वो भरा जाता है और उस पर फोटो वोटो लगाई जाती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक किए? 10वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आधार कार्ड, 4 फोटो। ओरिजिनल या फोटोकॉपी? फोटोकॉपी भी चाहिए और ओरिजिनल फोटोकॉपी। 4 फोटो है ना? और उसके बाद में फिर हाइट, हाइट के बाद में फिर चेस्ट। हाइट क्या थी जनरल कैटेगरी के? 1 से 1 और चेस्ट तो 80 से 85 होगा। रनिंग कितनी थी? 1600 मीटर। समय? 6:30। कर लिया था तो रनिंग तो कर लिया था। 6:30 मिनट में 1600 मीटर लॉन्ग रनिंग थी या कैसे थी? 800 मीटर जनरल, 800 मीटर वो कर लेके। अच्छा, कहाँ था तेरा सेंटर? कोटा। कोटा में, ठीक है। उसके बाद में हुआ था ट्रेड टेस्ट? ट्रेड टेस्ट फिजिकल के बाद में, फिजिकल कंप्लीट करने के बाद जो बच्चों। अच्छा, तेरे बैच में कितने लड़के थे टोटल? मेरे बैच में 127। उनमें से रन टोटल 127। 127 का आना था बोल। हाँ, समझ गया मैं तेरी बात। 127 लड़के आए थे, 400 लड़के। अच्छा, 400 में से केवल 127 लड़के आए थे, और 127 में से रनिंग कितने पास किए, मतलब फिजिकल पढ़ाओ कितने पास? लड़के रनिंग 127 में से 24 हुए फेल। बहुत कम फेल हुए भाई, बहुत बढ़िया दौड़ लिए तुम तो। लगभग मतलब 100 के आसपास बच्चे फिजिकल पास थे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में भी किसी को बाहर किया था? तो भाई डॉक्यूमेंट में किसी को नहीं किया था। मुख्य डॉक्यूमेंट इसमें क्या कि 10th मार्कशीट और आधार कार्ड ही था, तो इसमें तो किसी को बाहर करने की जरूरत ही नहीं। नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब होगा। अच्छा, उसके बाद में हुआ था ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट ट्रेड में कितने पास हुए थे इनमें से? 23। ओनली 23 लड़के? मत उपेंद्र, मतलब ट्रेड में बहुत को फेल कर रहे हैं, तो तेरे वाले ट्रेड से सफाई कर्मचारी से कितने थे? अच्छा, ये पूरे तो सफाई कर्मचारी की बता रहा है, तो उसमें से कितने को पास किया? 23। अच्छा, 23 को ही पास किया, बाकी लगभग मतलब 75+ को फेल कर दिया ट्रेड में। अच्छा, क्या पूछ रहे थे ट्रेड? कुछ करवा भी रहे थे? करवा भी रहे थे। बाथरूम में जैसे बाथरूम का जो शीशा रहता है ना, वो किससे साफ किया जाता है, और जो भी वो एसिड वगैरह आते हैं ना वो रखे हुए थे, वो बताना था ये क्या है ये क्या। मैं पहले ही बताया था ट्रेड टेस्ट कैसा होता है, सफाई कर्मचारी का एक दिन पहले भी बताया था क्या क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, इस बच्चे से इनसे पूछा गया होगा, मैं पहले भी बता देता हूँ आपको, पहले भी बता देता कि आपको ट्रेड की भी साथ में जैसे रक्षक बेच है उसमें मैं तैयारी कराऊंगा। जितने भी सीआरपीएफ वाले हैं लाडले, ध्यान रखना आपको ट्रेड की रक्षक बेच में मैं तैयारी कराऊंगा जैसे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, और उसी बेच को कराऊंगा जो रक्षक बेच में भी ज्वाइन कर रखे हैं। ट्रेड में क्या होता है, जैसे सफाई कर्मचारी के, मैंने सभी ट्रेड के बता सकता हूं मैं आपको, सफाई कर्मचारी जैसे अभी मैं बताऊंगा ना वही चीजें इनके साथ होती। एक तो पूछा जाता है एसिड के बारे में कि किसको कैसे साफ किया जाता है। एक जैसे ये हार्पिक हो गए, बाथरूम क्लीनर हो गए, बाथरूम क्लीन करने के लिए जो ब्रश आते हैं वो हो गए, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, जो कचरा होता है ना, तो गीला कचरा किस में रखा जाता है, सूखा कचरा किस में रखा जाता है, किससे बायोगैस बनती है, ये भी होता है, ध्यान रखना। अभी तो पेपर हो नहीं रहा ट्रेड का, पहले पेपर होता तो उसमें ये भी पूछा जाता कि कौन सा कचरा गोबर गैस के काम में आ सकता है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल से संबंधित सामान है, जैसे कि सुई को हम कौन से डस्टबिन में रखना चाहिए, नीडल को कौन से डस्टबिन में रखना चाहिए, हॉस्पिटल में फर्श पर पोचा मारते समय किसका किस फिनाइल का यूज करना चाहिए, ये सब होगा वहां। झाड़ू पकड़ने का तरीका? अच्छा, ये झाड़ू कैसे पकड़ते, ध्यान रखना झाड़ू पकड़ने का तरीका ऐसे पकड़ते, झाड़ू ऐसे पकड़ लेना, वो बड़ी वाली झाड़ू है ऐसे पकड़ते होंगे ना, है? हाँ,
मैं आपको या तो मिला दूंगा जो सफाई कर्मचारी से नौकरी कर रहे हैं उन सभी से मिला दूंगा, कोशिश ऐसा करता हूँ, जरूर आपको कनेक्ट करता हूँ उनसे और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उनका टेस्ट टेस्ट पास होकर वो वहाँ तक पहुँचे। अच्छा और क्या पूछा ना? एक तो झाड़ू वाला और ये केमिकल वगैरह, केमिकल के बारे में तेरे से नाम पूछे थे, केमिकल के या यूज पूछे थे? नहीं वो तो सामने थे डब्बे में डाले हुए, ये क्या है ये? अच्छा मतलब वो उनके ओरिजिनल डब्बे में नहीं थे? नहीं। अच्छा देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये डब्बे पड़े हैं, ये सब पारदर्शी डब्बे होंगे जिसमें से दिखाई दे रहा है उनका कलर, है ना, तो इसमें केमिकल पड़ा था तो इससे पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम बताओ, यही पूछे थे। और एक झाड़ू पकड़ने का, बाकी सबसे भी यही पूछ रहे थे या कुछ अलग? लगभग सभी को इसे झाड़ू मरवा के भी दिखाई है। अच्छा मतलब कि झाड़ू मार के भी बताओ भाई, तो ऐसा ट्रेड ट्रेड होगा। सीआरपी वालों तुम भी ध्यान रखना, सीआई सब में ऐसा हो रहा है, मतलब झाड़ू वाड़ू भी लगवा के देख रहे हैं ना पूरा अच्छे से। और केमिकल के बारे में अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी है ना, हो सकता है कि आपके सामने डस्टबिन रखे, कचरा पात्र जिसको बोलते हैं, जैसे अलग अलग चार पांच कचरा पात्र रख देते हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर और येलो कलर के, तो उसके यूजेज भी पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें कौन सा कचरा डालते हैं, इसमें कौन सा कचरा डालते हैं, पूछ रहे थे ना। हाँ देख लो, इससे नहीं पूछा लेकिन ये भी पूछ रहे थे डस्टबिनों के बारे में भी। चार बॉक्स होते हैं, चार कलर होते हैं, आप गूगल करके देखना डस्टबिन के, जो आप ये दो देखते यही नहीं होते, आप गूगल करना, चार कलर के होते हैं डस्टबिन, ठीक है। अगर आप गूगल करोगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी लाडनू, कि जो डस्टबिन होते हैं ना वो चार कलर के होते हैं, ठीक है। आप किसी हॉस्पिटल में अगर जाओगे तो आपको चार कलर के डस्टबिन मिलेंगे, देखना मैं आपको बताता हूँ। आप अगर सर्च करोगे ये देखो, दिखाई दिया आपको, ये चार कलर के डस्टबिन है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये देखो, आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ, चार कलर पांच कलर के ये डस्टबिन होते हैं अलग अलग, और इनका ना जो इनमें कौन कौन सा चीजें डाली जाती है ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जो नॉर्मली डस्टबिन देखते हो उससे ज्यादा नॉलेज वहां चाहिए, हो सकता है दो भी रखे लेकिन चार भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब चीजें पूछी जाती है पेपर में, तो तेरे को ये सिर वाला नॉलेज नहीं होगा, पहले हो गया कोई बात नहीं। अब आप ध्यान रखना, ये तो हो गया लेकिन आप मत भूलना। जय हिंद।